इंदौर के पूर्वी थाना क्षेत्रों में सामूहिक रूप से अपराध मुक्त शहर को लेकर मुहिम चलाई गई। मुहिम के तहत तमाम अपराधों में लिप्त बदमाशों को पुलिस ने अपराध से दूर रहने और नशा नहीं करने की शपथ भी दिलाई। इंदौर के आला अधिकारियों के निर्देशन के बाद पूर्वी थाना क्षेत्र हीरानगर, परदेशीपुरा, लसुड़िया, विजयनगर सेंटर, कोतवाली पलासिया सहित तमाम थाना क्षेत्रों में सामूहिक रूप से अपराध मुक्त शहर को लेकर मुहिम चलाई गई। मुहिम के तहत थाना क्षेत्र के तमाम बदमाशों को थाने पर बुलाकर थाना प्रभारी द्वारा अपराध नहीं करने की हिदायत के साथ ही नशाखोरी न करने की हिदायत के साथ शपथ भी दिलाई गई। बदमाशों को बताया कि यदि वह किसी भी छोटे बड़े अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। खैर, आपको बता दें, पिछले दिनों शहर में तमाम छोटे बड़े अपराध नशाखोरी और मामूली विवाद के चलते ही हुए हैं, जिनमें हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं भी सामने आई थी। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने फिर से लिस्टेड बदमाशों की लिस्ट तैयार कर उन्हें हिदायत देना शुरू कर दी है, ताकि शहर पर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उपनिरीक्षक महोदय इंदौर श्री मनीष कपूरिया सर, पुलिस अधीक्षक महोदय ईस्ट श्री आशुतोष बागरी सर और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार अपराधों की रोकथाम के लिए निर्देश दिए जाते रहे हैं। इन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज थाना हीरानगर में जो चाकूबाजी और लूट, हत्या का प्रयास, हत्या आदि गंभीर अपराधों के अपराधियों को, आरोपियों को बुला के थाने पर इनको सख्त हिदायत दी गई कि जो ये जो जमानत से छूटे हैं, अपराध से लगातार ये लगातार अपनी दूरी बना के रखेंगे। अगर किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त पाए गए या आपराधिक गतिविधियां करने की इन्होंने कोशिश की तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज हीरानगर में इनको बुला के सख्त निर्देश दिए गए, साथ ही इनको अपराधों से दूर रहने के लिए शपथ भी दिलाई गई और नशे से दूर रहने के लिए शपथ।